इरफान रजाक जी, कुमार गेरा जी, मंच पर विराजमान सभी, शुड आई बी इन इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश? नो, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ. आई एम कंफर्टेबल इन तमिल एंड तेलुगु ऑल्सो. पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. जिस तरह का एक MOU आपने साइन किया अभी कि क्रेडाई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर ग्रीन बिल्डिंग, और इसलिए मैं पहले दावत दूंगा कि हम अभी पुराना सब कुछ छोड़ रहे, तो मैंने पुराना पर्यावरण भवन भी छोड़ा है और नया पर्यावरण भवन में मैं आया हूँ. And all you are invited to visit, definitely you come, we'll welcome you, because that is the energy positive building. It gives positive energy, and that is why it gives also positive energy if you come visit. Essentially what we have done is that there are the new building code, we have used fly ashes and many other things, and the glass where the light comes but heat doesn't percolates into the room. It's an intelligent lighting system. Overall, the designing is such that the requirement of such a huge building, four towers, is reduced to half. And the four towers are connected. The roof is not anything slab or anything. The roof is solar panel with keeping place for पूरा हवा पूरी चले, वो भी है. तो एक नई बिल्डिंग है कोड़ा, उसमें जियो थर्मल का भी उपयोग है. 80 मीटर ले जाते हैं नीचे पानी को, ठंडा करके ऊपर फिर चिलिंग पार्ट में आता है, तो एनर्जी कम लगती है. यू आर द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस, सो आई शुड नॉट टेल यू मोर अबाउट इट, बट स्टिल इट इज़ वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ सीइंग. एनीबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी डेफिनेटली, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड विद दैट. एनवायरनमेंट का एक एजुकेशन देना है, तो इसलिए रोज 2 घंटे ये बिल्डिंग पब्लिक व्यूइंग के लिए खुली रहेगी. उसको गाइडेड टूर कराएंगे, और स्कूल और आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ला रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम है. मैं मानता हूं कि एनवायरनमेंट कोई परमिशन का कोटा का राज नहीं है. 1991, where Manmohan Singh started with liberalizing economy, the downfall was in 2006 when you got this law and put all restrictions. But still, with 2006 on, many supported in 2009 the same regime. मैंने क्या लीगेसी पाई है, इसका उदाहरण 2-3 देना चाहता हूँ. लास्ट वीक आई वॉज इन हैदराबाद, द तेलंगाना इरिगेशन मिनिस्टर, नो, एनवायरमेंट मिनिस्टर वॉज विथ मी. वॉट इज दिस? ही सेड देर इज ए कुमारम भीमा इरिगेशन प्रोजेक्ट, भीमा प्रोजेक्ट. इट्स अ 300 करोड़ ऑलरेडी स्पेंट, डैम इज बिल्ट, 11,000 hectares to be irrigated. Major beneficiaries are scheduled tribes. Farmers are waiting for the water. Water is there stored. I thought the canal is not ready. But canals are also ready. I thought left is ready, right may not be ready. But both are ready. Then why water is not flowing through the canals to the fields for last 5 years? Because ek canal mein 3 jagah chote chote forest land thi. और फॉरेस्ट लैंड का परमिशन लेने का एक प्रोसेस है, वो भी ऐसी है टेडी. तो वो जो फॉरेस्ट लैंड की परमिशन लेनी है, उसमें 2 किलोमीटर का एक पैच ऐसा है कि जहां परमिशन आने से पहले कैनाल का काम पूरा हुआ या शुरू हुआ, इसलिए वायलेशन में अटका है ये मामला. और ये ना,
Can you imagine that the water is stored, the dam is ready, the canals are ready, the farmers are waiting, the public money has already been incurred expenditure. And now Forest Department is asking to establish criminal responsibility on certain officer, on some officer. So everybody is moving the file around, 5 years are wasted. Your national loss, it's a national loss, shame. मैंने जब ये सुना देखा और मैं लेके आया, मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने कहा हु हैज डन दैट वायलेशन, आई डोंट रिगार्ड दिस एज वायलेशन. जिस देश में काम जल्दी करने को वायलेशन कहते और जिस देश में ज्यादा उत्पादन करने को वायलेशन कहते, ये दर्शाता है कि पेन जख्म कितनी गहरी है. और इसलिए मैंने कहा, मेरा एक सवाल है भाई, आप टेक्निकल वायलेशन की बात कर रहे हो लेकिन 5 साल देश का जो नुकसान हुआ, हु हैज वायलेटेड द नेशनल इंटरेस्ट, एंड इट इज वी, इट इज आवर मिनिस्ट्री विच हैज वायलेटेड द नेशनल इंटरेस्ट. That's what I asked and told my officers. We will correct the situation immediately. ऐसा कैसा नहीं होगा कि पानी नहीं मिलेगा लोगों को होने के बाद भी. दूसरी केस, पेलेटाइजेशन का आयन ओर, इंफीरियर आयन ओर होती है, उसका पेलेटाइजेशन करते हैं. अब स्टील मिनिस्ट्री इज द पेरेंट मिनिस्ट्री एंड इट हैज सर्टिफाइड दैट पेलेटाइजेशन डज नॉट फॉर्म द बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस and therefore doesn't require environment clearance. लेकिन हमारे ऑफिसर क्या negative mindset में, मैंने जो negative legacy प्राप्त की है उसको मैं बयान कर रहा हूँ कि उनको लगता है कि एक भी चीज़ ऐसी हो, यहाँ सेमिनार हो रहा है तो उसका भी इसी नहीं मांग रही है आश्चर्य. तो हर चीज़ को इसी चाहिए. अब इन्होंने निकाला कि पैलेटाइजेशन को इसी चाहिए, अब इसी चाहिए समझो कहा, तो ये कह सकते थे ना कि भाई इसी के लिए आप फ्रेशली अप्लाई करो, आपका कल कारखाना है चालू रखो, बंद तुरंत स्टॉप. वर्क स्टॉप ऑर्डर देने में खुशी होती है, क्या कमाल है स्टॉप वर्क. और इसलिए आज मुझे एक्चुअली मेरे अधिकारियों को ही लेकर आना चाहिए था ये भाषण सुनने के लिए, लेकिन हाँ ये रिकॉर्ड करोगे मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा. वैसे मेरे रोज के मीटिंग में मैं चाय पे चर्चा करता हूँ सुबह 9 बजे, सभी अधिकारियों को इकट्ठा बिठाता हूँ, कोई एजेंडा नहीं होता, कल क्या हुआ, आज क्या आया, पेपर में क्या आया, क्या करना है क्या नहीं करना है. ये मणिशंकर अय्यर ने हमें दान दिया है चाय और चर्चा, हम रोज सुबह करते. तो मैंने ये कहा कि पेलेटाइजेशन का तो केस आया, लोग आए मेरे पास कि पेलेटाइजेशन के प्लांट है. अब हम क्या करते हैं, ड्यू डिलीजेंस के लिए ऑफिसर को बताते हैं कि इसका ब्रीफ करो क्या है, एग्जामिन एंड ब्रीफ. तो ब्रीफ के लिए आए, उन्होंने कहा वो एनजीटी का है. अच्छा, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट का कुछ भी विषय निकालो हर चीज में सुप्रीम कोर्ट है, हाईकोर्ट है, एनजीटी है, खत्म है कहानी. और इसलिए पेलेटाइजेशन का केस मैंने सुना तो फिर एक बार मुझे कहा कि एनजीटी का ऑर्डर है और इसी लेना है, तब तक बंद है लेकिन इसी हम जल्दी दे रहे. मैंने कहा, फिर वो लोग मुझे मिले कि बोले ऐसा नहीं है, ये है एनजीटी का ऑर्डर दिखाया, मैंने भी पढ़ा. फिर मैंने फाइल मंगाई, एनजीटी का ऑर्डर देखा. एनजीटी का ऑर्डर वॉज वेरी क्लियर कि द पेरेंट मिनिस्ट्री सेज दैट ईसी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सेज दैट ईसी इज रिक्वायर्ड, we also grant that EC is required. Okay. Then, in the interregnum period, whether the factory should work, could run or not run, that should be taken, decided by the ministry. That was the issue. So, where is, I said, where is the closure issue? Who decided to close? Show me the file.
Who decided to close? So they decided to close. I said, I am deciding, we will start it immediately. And we started it. अब मुझे बाद में पता चला कि ये कोई 100-200 फैक्ट्रीज तैयार हुए, इसमें हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक अनुभव है कि 200 फैक्ट्री चालू हुए, मुझे केवल 2 लोगों ने फोन किया, थैंक यू। ये भी अनुभव है। तो लेकिन उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं, आपके थैंक यू का फोन आने तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि पहले नियम उल्टा था। पहले तो भाव तोल मोल के होता था और आप भी दे रहे थे, हद होती थी। यानी उन्होंने कहा कंसल्टेंट, उसका एक्चुअली टाइटल बदलना चाहिए। और फिजिक्स का नियम है, हमें सिखाया था स्कूलों में कॉलेजों में, कि एक हाथ फाइल है या कागज है वो ना उड़े तो उस पर पेपर वेट रखना पड़ता है। लेकिन पहले नियम दूसरा ही था कि जितना वजन ज्यादा उतना फाइल ज्यादा भाग रही है। तो वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑन दैट लीगेसी वी हैव स्टार्टेड, बट वी हैव टेकन स्टेप्स, वी हैव टेकन डिसीजंस, एंड वी आर शोइंग डिरेक्शन हाउ वी आर गोइंग अहेड। एंड इट इज माय मैंडेट इज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। As you rightly said, it's a big thing. Last week I was in Paris, next week I'll be in Lima for a week. It's very horrible stories होती है। लोग कहते हैं आपने वो देखा का, मैंने कहा मैं कहाँ क्या देखता हूँ, मैं सीधा एयरपोर्ट से होटल में जाता हूँ, फ्रेश होके कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहाँ पूरा लॉबिंग करता हूँ, भारत की भूमिका रखता हूँ, उसके लिए जितने साथियों से जोड़ सकता हूँ जोड़ता हूँ, फिर होटल आता हूँ, बैग उठाता हूँ, एयरपोर्ट आता हूँ और घर जाता हूँ, और क्या करता हूँ। तो हमें देख वो देश नहीं देख रहे, हम देश का काम कर रहे हैं, क्योंकि नए साल में अपने व्यवसाय को भी पूरा बंधन आने वाला है, बहुत सारे नए प्रकार आएंगे, उसके लिए लड़ाई आज से शुरू की है हमने। 2015 दिसंबर में पेरिस में एक नई व्यवस्था दुनिया की एनवायरनमेंट की तैयार होगी। मैं चाहूँगा कि दुनिया को और आपकी इंडस्ट्रीज को भी इसमें भाग होना चाहिए। अभी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए पेरिस में कन्वेंशन था, HFC एंड HCFC। मैंने ये पूछा वहाँ कि भाई आप दुनिया को पूछा कि ये विकसित देशों ने हमें कहा कि CFC गलत है, CTL गलत है, हेलन गलत है, 100 केमिकल्स और गैसेस गलत है, क्योंकि वो ओजोन डिप्लेटिंग है, हमने मान लिया। और उसका पर्याय क्या था, विकल्प क्या था, तो विकल्प उन्होंने बताया कि HCFC है और HFC है। तो HFC डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज आई फ्रीजिंग में, एयर कंडीशनिंग में, वो हमने लगाई, पहले के बात कर दिए। अब सब कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा डेंजरस है। अरे कमाल है, पहले आपने ही बताया कि ये अच्छे हैं और आप बता रहे हो ज़्यादा बुरा है। तो हमें साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सस्ते में चाहिए। तो ये बहुत सारा विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सेशन में भी जाना है, क्योंकि वो भी चल रहा है। मुद्दा यह है कि हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने लिया कि ऑफिस जो सीरियल होता है पंकज कपूर का, देखते होंगे आप, वो बंद किया मैंने, और इसलिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू किए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस शुरू किए। वो शुरू करने से आज 800 से ज़्यादा, कुल 2400 एप्लीकेशंस आए हैं। कल ही मैंने उसका रिव्यू लिया है और मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि कितना अच्छा उसका प्रक्रिया है, क्योंकि यू कैन सी थ्रू। मुझे अनेक डेवलपर्स मिले, बोले आपके परिणाम एक हुआ है कि अभी पहले हम 8-9 महीने पहले ही 8-9 महीने लगते थे बुलावे के लिए, पहले बुलावे के लिए, तो उसके लिए हम डमी नंबर लगाते थे, अब 10-15 दिन में बुलावा आ रहा है, तो हम अभी पहले का नंबर क्यों ब्लॉक नहीं करते हैं, सभी को मिल रहा है। तो दैट हैज स्टार्टेड वर्किंग। फॉरेस्ट क्लियरेंस, किसी डेवलपर को कभी फॉरेस्ट क्लियरेंस का सामना करना पड़ा होगा तो उसको वीर पदक देना ही चाहिए। तो वो फॉरेस्ट का अब हमने तय किया, मैंने रोज इतने फाइल आते हैं। अच्छा, मंत्री को थकाने की एक बड़ी
खूबसूरत अदा है मंत्रालय में कि इतने फाइल उसके सामने लाओ, अच्छा बड़े बड़े होते हैं, अच्छा उस पर साइन करो, तो साइन करते करते आदमी थक जाएगा, लगेगा बहुत काम किया। अरे क्या किया? मैंने पूछा इतने फाइल फॉरेस्ट डाइवर्जन के क्यों आ रहे? तो बोले 5 हेक्टेयर से ज़्यादा हमारे यहाँ दिल्ली में आते। क्यों आते? एनालिसिस करो, 10 तक कितने, 20 तक कितने, 30 तक कितने, 40 तक कितने, 40 हेक्टर तक 90% फाइल्स है। मैंने कहा हमें क्या करना है इसको, ये राज्यों में दे देंगे और उसको रीजनल पावर को एम्पावर्ड कमिटी करेंगे जिसमें राज्यों के अधिकारी भी रहेंगे, हमारे रीजनल ऑफिस के भी अधिकारी रहेंगे और 3 एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, तो मल्टी स्टेक कमिटी बनाएंगे, यानी फिर ज़्यादा वहाँ गड़बड़ ना हो। और फिर वहाँ से तुरंत लोगों को मान्यता मिल गई, डिसेंट्रलाइज किया। आई हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर अप टू 40 हेक्टर्स मैटर, 90% फाइल मेरे पास नहीं आ रही है। एक अधिकारी बड़े चिंतातुर हुए, सर आप जो कर रहे हैं इससे तो हमारे पास फाइल ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे फाइल, यानी उसको बड़ा दुख हो रहा था कि फाइल ही नहीं आएगी तो फिर हम करेंगे क्या। मैंने कहा करने का काम बहुत है, मैं लगाऊंगा आपको। हमने लीनियर प्रोजेक्ट्स का निर्णय लिया। मुझे स्विट्जरलैंड के तांती मिले थे एक दिन, तो एक इलेक्ट्रिकल पोल विंड एनर्जी के लिए जाना, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए था, नहीं मिला, 10 किलोमीटर का लंबा रूट लेना पड़ा। दिस इज डे टू डे एक्सपीरियंस, दिस वॉज द लीगेसी विच आई ब्रॉट इनहेरिटेड। और इसलिए हमने निर्णय किया कि रोड, रेल, इरिगेशन कैनाल, ऑल काइंड्स ऑफ पाइपलाइंस और ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कितना भी एरिया हो उसके नियम रहेंगे स्टैंडर्ड कि आपको इतना कॉम्पेंसेटरी करना पड़ेगा, वो ज़्यादा करने को लगाएंगे, 2 करना है तो 3 करने को लगाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में उनको जनरल अप्रूवल मिलेगा, उसके लिए पावर विकेंद्रित कर दिए, वो हमारे पास नहीं आएंगे लीनियर प्रोजेक्ट। खौफ, एक ये स्पीड ब्रेकर मिनिस्ट्री बनी, एक रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री बनी, वो लिबरलाइजेशन की जो शुरुआत हुई उसका अंत हुआ 2006 में ये मंत्रालय में जो इस तरह का आया। और हमारे एक पूर्व सूर्य ने तो गो नो गो के इतने बोर्ड्स लगाए कि लोग पूछने लगे कि भाई सब जगह देख रहे नो गो नो गो नो गो, तो बोले जाए तो जाए कहाँ, ये अवस्था हो गई लोगों की। तो ये स्थिति थी, और इसलिए हमने डिफेंस के पहले निर्णय लिए। 6000, मैं क्योंकि डिफेंस कमेटी में था, 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड्स नहीं हो रहे थे, सैनिकों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ये मैंने गया, मैं पहले दिन गया तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि भाई हमें चाहिए कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफेंस कितने हैं अपने पास परमिशन के लिए, वो मुझे लिस्ट और स्टेटस चाहिए 2 दिन में। उन्होंने कहा देंगे, मुझे मालूम था क्या ऐसे थोड़ी 2 दिन में देते कोई। तो मैंने डिफेंस सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने कहा आपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, दे दो मुझे लिस्ट। लिस्ट दे दी। 2 दिन के बाद मैंने कहा कहाँ है लिस्ट अपनी, तो बोले नहीं तैयार हो रही है और 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, अब 2 दिन में इसका स्टेटस लिख के दे दो कि क्या है प्रोजेक्ट सर। तब समझ गए कि इतना यानी उल्लू नहीं बना सकते। मैं अधिकारियों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा अधिकारी है, कुछ लोग समझते भी है, लेकिन माहौल जो क्रिएट करोगे ना वैसा होता है। लीडरशिप हैज़ टू शो द वे एंड लीडरशिप हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल, देन माहौल बदलता है। ऐसा है, एकाध देहात गांव में आप हरिनाम कथा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करोगे तो सब लोग हरिनाम हरिनाम कहेंगे, अगर डांस बार लगाओगे तो सब शैला की जवानी वही करते रहेंगे, वो क्या है। और इसलिए अच्छा अधिकारी है, बट कंडीशंस आपने उल्लेख किया, कंडीशंस कि 50 में वही के वही कॉपी कंडीशंस है, यानी व्हाई दे कांट बी स्टैंडर्डाइज एनवायरमेंट का। हाँ भाई सॉलिड वेस्ट का आपको ये करना है, सीवेज का आपको ये करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए ये करना है, आपको रूफ का उपयोग एनर्जी निर्माण के लिए ऐसा करना है, जो भी कंडीशंस डालो एक स्टैंडर्ड सेट क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। वो इच्छा नहीं थी,
इच्छा नहीं थी और हमारी इच्छा है। अब एक दिन मेरे पास फाइल आई, उसमें कंडीशन बोले सर आपने कहा था तो वो हमने सैंक्शन के लिए प्रपोजल रखा है विद नॉर्मल कंडीशन। मैं पढ़ने लगा कंडीशन, उसमें लिखा था इवन द CRZ परमिटेड एक्टिविटीज विल नॉट बी परमिटेड। कैन यू इमेजिन देयर कैन बी अ कंडीशन लाइक दिस। मैंने उस अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा इवन द परमिटेड, पढ़ो फिर से एक बार, परमिटेड CRZ एक्टिविटीज विल नॉट बी परमिटेड, ये कोई कमाल है। मैंने कहा CRZ कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। आप कौन, सुपर पार्लियामेंट हो कि आप उसको कंडीशन जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है वो भी डिसअलाउ करने का आपको किसने अधिकार दिया? बट दिस इज हाउ द थिंग्स वी आर एंड वी आर चेंजिंग इट। वी हैव चेंज द कल्चर, वी हैव चेंज द एनवायरमेंट ऑफ माई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इटसेल्फ। और इसलिए हमने एक नारा दिया कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिले, दैट इज आवर मोटो, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिले, क्योंकि उसी में सब था। और इसलिए आपके बहुत सारे सुझाव आए हैं, और भी नेक्स्ट 10-15 दिन में और भी सुझाव कुछ देने हैं हम, वी आर वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स। CRZ की आपने बात कही, मुझे तो आश्चर्य लगा, हमारा 5,500 किलोमीटर्स का सी शोर है, 4,400 किलोमीटर्स जो हमें कोस्ट लाइन मालूम है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का मिलके और ऐड होता है तो इट बिकम्स 7,500 किलोमीटर्स। इट्स अ ह्यूज थिंग, उसको रक्षण करो, उसमें खूबियाँ बढ़ाओ, उसमें मैनग्रोव्स की जो कत्ल कोई करेगा वो नहीं चलेगा, वो यानी जो करना है वो करना है सागर की रक्षा के लिए और सीमा की रक्षा के लिए, जो करना है करना है। लेकिन कोस्ट गार्ड की चौकी की परमिशन भी 3 साल लटक रही थी, मैंने 35 फाइल पहले 35 मिनट में खत्म कर दिए, क्योंकि मैंने कहा क्यों रोकी है ये कोस्ट गार्ड की चौकी, तो बोले कोस्ट गार्ड का चौकी वो एक्सेप्शन में, CRZ में जो एक्सेप्शन है उसमें ये नाम नहीं है कोस्ट गार्ड का। अरे मैंने कहा भाई पाकिस्तान वाले 2008 में आ गए, बाद में हम जग गए तो फिर अब शुरू हो गया कोस्ट गार्ड का, तो अब वहाँ कैसे होगा नाम? लेकिन कोस्ट गार्ड की चौकी कोस्ट पे नहीं होगी तो क्या जंगल में होगी? तो कोस्ट पे होगी, तो हमने दे दिया परमिशन, तो करेंगे। और इसलिए वी वॉन्ट टू टेक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन्स, वी वॉन्ट टू टेक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन्स एंड टेक रियली टू ए न्यू लेवल वेयर आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स आवर मंत्र। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद डेवलपमेंट, एक हाथ में डेवलपमेंट का एजेंडा और दूसरे हाथ में पर्यावरण रक्षा का झंडा, यही सूत्र से हम काम करेंगे। अब जो वाक्य सुनने के लिए आप आतुर हो वो मैं आज नहीं कहूँगा, 15 दिन आपकी राह देखूँगा सुझावों की, और फिर हम कुछ अच्छी खबर देंगे, तब हम और जल्लोश से मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई।